हेलो फ्रेंड्स, अभी टेम्परेचर है -40 डिग्री। आप मेरी दोनों साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ छाई हुई है। तो चलो सास्कटून की टूर करते हैं माइनस में। कनाडा में टेम्परेचर चाहे कितना भी कम हो, लेकिन यहाँ पर रूटीन लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। और मैं भी -40 डिग्री होने के बावजूद भी अपनी जॉब पे जाने के लिए निकल चुका हूँ। जैसे कि मैं यहाँ कनाडा में नया हूँ, तो अभी मेरे पास कोई कार नहीं है, तो मैं बस का यूज़ करने वाला हूँ। और आपको बताऊंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप कैसे यूज़ कर सकते हो और आप कहीं पर भी कैसे जा सकते हो। कल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, इसकी वजह से आप रोड के ऊपर बर्फ़ देख सकते हो। और कनाडा की इतनी ठंडी में आप कैसे गर्म कपड़े ख़रीद सकते हो और आपको क्या क्या पहनना चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैं अभी सास्काटून डाउनटाउन बस टर्मिनल पर खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि बस टर्मिनल पे ग्लास केबिन बनाई हुई होती है, जिसमें लोग स्नो और ठंड से बचकर उसमें खड़े रह सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना बहुत ही इजी होता है, और आप गूगल मैप से देख सकते हो कि आपको कौन सी बस कहाँ से पकड़नी है और कौन से स्टेशन पे उतरना है, और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में अलग से बनाकर अपलोड कर दूँगा। अभी आप जो सामने देख रहे हैं वो साउथ सास्केचवान रिवर है, और यहाँ पर ताकि ठंड इतनी बहुत है, -40 डिग्री हो चुका है, तो उसकी वजह से ये नदी पूरी जम चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ छाई हुई है। यहाँ रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बोर्ड लगे होते हुए हैं, उस बोर्ड के पास पैसेंजर को खड़ा रहना है, और पैसेंजर को देखकर जो ड्राइवर होता है वहीं पर बस रोक देता है। बस में चढ़ते ही आप देख सकते हैं कि ड्राइवर के पास एक मशीन रहता है, उस मशीन में आपको अपना टिकट फ्लैश करना होता है। अगर आपके पास मंथली पास है तो आपको सिर्फ वो जो पास होता है उसको सिर्फ टैप करना रहता है, और वो जो पास है उसमें से मशीन ऑटोमेटिक आपकी जो ट्रिप होती है उसको कैलकुलेट कर लेता है। पैसेंजर के लिए अगला स्टॉप कौन सा आने वाला है, वो स्टॉप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर फ्लैश होता रहता है, और उसके अलावा स्पीकर से भी जो स्टॉप होता है उसका नाम बोला जाता है। और यहाँ पर जो मंथली पास होता है उसकी प्राइस होती है $83, और एक टाइम के लिए आप जो टिकट निकलवाते हो उसकी प्राइस होती है $3, यानी कि वो टिकट है वो 1.5 घंटे के लिए कहीं पर भी जाने के लिए वैलिड रहती है। आप कोई भी बस चेंज कर सकते हो, उसमें आपका ट्रांसफ़र है वो इंक्लूड रहता है। और कोई भी पैसेंजर जिसे आप सामने देख सकते हो कि सामने खड़ा है, तो बस का ड्राइवर वहीं पर बस रोक देता है। विंटर में कनाडा में ऐसे नज़ारे बहुत ही आम बात है, आपको हर जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है, और वो स्नोफॉल बंद होने के बाद उसको रिमूव करने के लिए मशीन्स आते हैं। आप मेरे इस चैनल रियल कैनेडियन लाइफ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ पर ये रास्ते पे हुई बर्फ़ को हटाने के लिए भारी भरकम ट्रक आ चुके हैं, और ये स्नो को यहाँ से हटा रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर स्नो में कैसे खेलते हैं, और स्नो में खेलने का जो आनंद होता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कनाडा की लाइफ के ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।